हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग, वो भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, साथ ही साथ ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खासकर सर्दियों के मौसम में खूब सारी हरी सब्जी आती है, लाल लाल गाजर आती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो टेस्टी है ही, और खासकर मक्की की रोटी के संग तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जब भी साग बनाएं तो मक्के की रोटी ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो सरसों ले ली है, और सरसों के साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे 100 ग्राम पालक और 50 ग्राम बथुआ। तो इसी हिसाब से आपको साग लेना है, तभी हमारा साग बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहले साग को आप अच्छे से धो ले, उसके बाद हम इन्हें काटेंगे। इससे ये होता है कि धोने में भी बहुत आसानी रहती है और काटने में भी आसानी रहती है। तो पहले धोना चाहिए, उसके बाद ही आप काटें हरी सब्जियों को। उसके बाद गैस पे हम कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई में हम सारा कटा हुआ साग डाल लेंगे। हमें साग को अच्छे से पकाना है, इसमें बॉईल करना है, ताकि हम इसे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए साग। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, आधा चम्मच। पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं डालना है, साग में बहुत सारा मॉइस्चर होता है तो वो अपने भी पानी छोड़ देगा। और ढक्कन लगा के कम से कम 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम में आप इसे छोड़ दें। चाहे तो बीच में एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, कहीं तली ना लग जाए। तो देखिए साग बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे साग को अच्छे से घोट लेते हैं, मतलब कि अच्छे से पीस लेते हैं इससे। वैसे बहुत सारे लोग मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन मिक्सी में वो स्वाद नहीं आता है जो आप इस तरीके से पीसेंगे। तो उसके बाद दूसरी गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च डाल लेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, जब लाल मिर्च हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, तो हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ, और 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल लेंगे अदरक। तो अदरक लहसुन को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो ही रखें, नहीं तो लहसुन बहुत जल्दी जल जाता है। उसके बाद एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। वैसे चाहे तो आप प्याज पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन अदरक अगर पहले डालते हैं तो लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। आप चाहे तो पहले प्याज भी डाल सकते हैं। तो प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। अब हम सारा तड़का साग में डाल लेते हैं और साग में अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए सारे तड़के को साग में मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें, हमने पहले भी नमक डाला था। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच मक्के का आटा। मक्के का आटा डालने से साग गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, अलग अलग नहीं होता है। तो मक्के का आटा तो आप ज़रूर डालें। पंजाब में बिल्कुल इसी तरीके से साग बनाया जाता है, तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए। देखिए मक्के का आटा डालने से हमारा साग कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, पहले से साग को बहुत ज़्यादा पकाते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है साग को। तो गरम गरम हम साग को सर्व कर लेते हैं, और इसके ऊपर आप डालें 1 चम्मच देसी घी, तभी साग खाने का मज़ा है। तो आप इसी तरीके से साग बनाइए और ऊपर से गरम गरम घी डालिए, और गरम गरम इसे मक्की की रोटी के साथ खाइए। तो देखिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी है। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।